All right, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls, your boy Bhatti Expert. आज हम लोग फिर से निकल रहे हैं दुआओं के लिए. आप लोग को पता है और जैसे मुहर्रम के बाद हमारी एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट हो गई हैं और इलेक्शंस भी करीब हैं. तो आज मेरे साथ हैं मीर साहब. मीर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मीर साहब आज क्या प्लानिंग्स है, आपको कुछ पता है आज के हवाले से? रावल हाउस से निकले हैं. रावल शेर जी नाम है, मीर साहब चल रहे हैं. नौजवान हमारे रहनुमा रावल शेर जी नाम है, मीर साहब चल रहे हैं. बाईपास पे 14 अगस्त के इवेंट के सिलसिले में ग्राउंड विजिट करने के लिए इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे धाम धूम से मनाएंगे इंशाल्लाह. सारी जो तैयारी है वो हो रही है 14 अगस्त के लिए, क्योंकि दावतें भी देनी होती हैं और उसके अलावा जो दुआएं होती हैं वो भी हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस. तो 14 अगस्त को मेरी बर्थडे भी है और आप लोग को पता है मेरी बर्थडे बहुत अच्छी खासी सेलिब्रेट होती है. पर आई होप इस मरतबा मेरी जो बर्थडे होगी वो होगी इधर रावल हाउस या फिर रैली में. तो इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर चल सकते हैं अगर आप लोग सभी का पेरा तो तांके हम बुधाने वाला के 14 अगस्त 2023 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो हुकुम थे एमपी शजील नाम मेमन साहब यो फैसलो कियो 14 अगस्त 2023 टनो जाम बाईपास ते मनायो गए. तो पार्टी जी लीडरशिप जी हुकुम थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बद में बद 14 अगस्त जेका भी इवेंट्स थींदा आहिनि हमेशा भरपूर शिरकत कंदी आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखे थी पाकिस्तान जी मजबूती जे लाइ, पाकिस्तान जी बका में, पाकिस्तान जे शहदान खे, जे अफ़वाज पाकिस्तान जे शहदान खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खराज तसीम पेश कयो आहे. वहीं वाले सब लोग अब विजिट पर ही हैं. झंडो कितनी दो टे स्टेज कट है. एक स्टेज आए जो पा डिस्कस किया है जिसमें आर्टिस्ट हूँ सारे कुछ तकलीर थी. बे स्टेज से मीडिया हूँ, टे स्टेज से नोटेबल्स हूँ. सही है. या तो इं कज रोड बारे इन पास स्टेज यू शेप में स्टेज कल डिस्कस किया है ना. एक स्टेज जो राइट से जो ही फेसिंग जो लेफ्ट से जो ही फेसिंग निकल रहे हैं. Let's go. तो भाई यहाँ पर हम लोग आ गए हैं भोटिया पर. Alright guys, so finally guys हम लोग पहुँच गए वापसी हाउस पर. तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हाउस पर और अभी साईं से हम लोग पूछेंगे कि 14 अगस्त का इवेंट इंडिपेंडेंस डे होने वाला है तो उनके लिए वो क्या सोचते हैं. तो अभी हम लोग साईं से बोलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर? ठीक है. क्या हाल है? अभी जो हम लोग ग्राउंड पर गए और सब कुछ रिकॉर्ड किया और देखा तो मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारा बहुत अच्छा जाएगा. तो आपने जो इतनी मेहनत की है तो क्या सोचते हैं कि हाउ इट वुड बी बेस्ट? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका. आप वक्त निकाल कर हैदराबाद की आवाम की खिदमत को आप कवर कर रहे हैं. तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त 2023
इंशाल्लाह टनो जाम बाईपास पे मनाने का हमने फैसला किया है। ये एहकाम हमें मिले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की तरफ से, और एमपीए शजीना मेमन साहब ने ये फैसला किया है। ये तारीख का हैदराबाद जिले की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे टनो जाम बाईपास पे, जिसमें लाखों की तादाद में इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो लोग शिरकत भी करेंगे और जश्न आज़ादी मनाई जाएगी। अफवाज पाकिस्तान को, उनके शहदाओं को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से, जहां तक पाकिस्तान 1947 से लेकर अभी 2023 में पाकिस्तान ने जो तरक्की हासिल की है थैंक्स टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री एंड ऑफ कोर्स द आर्मी ऑफ द कंट्री, वी हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम जीरो टू समवॉट आई वुड से 100। एंड जो भी हमने काम किए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जो को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, जैसे कि सी पैक था, ऑयल गैस प्रोग्राम्स थे, बहुत और मुख्तलिफ चीज़ें थी, इन सबको इंशाल्लाह 14 अगस्त को डिस्कस करेंगे। तो आपको भी दावत है, हैदराबाद जिले की तमाम दोस्तों को दावत है, इंशाल्लाह आप आए इस प्रोग्राम में, आपको बहुत मजा भी आएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे आर्टिस्ट को भी हमने इनवाइट किया है, हर तबके से लोगों को हमने शिरकत की दावत दी है। इंशाल्लाह ये हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वी आर सेलिब्रेटिंग 14 अगस्त हैदराबाद में तारीख में वडे में वडो जश्न आजादी और इवेंट जाम में जेका कराए रहा आहिन शर्जील इनाम मेमण आई रावल इनाम मेमण मुसा गड आहिन चेयरमैन आई वाइस चेयरमैन जी साईं तां जी छा तैयारी आहे? तैयारी त असांजी तकरीबन पंजो जॾहिं खां शदीद साहब हिते एम पी ए थियो आहे, हर साल तमामु सुठे नमूने सां 14 अगस्त जश्न आज़ादी सां मल्हाईंदा आहियूं। हर साल जेको सो असांजा दोस्त उन में वधि में वधि शिरकत ॾिसी ऐं वधीक असांजो जश्न आज़ादी 14 अगस्त ते सुठे नमूने असांजी शिरकत दोस्त कंदा आहिनि। ऐं हिन दफ़े शदीद साहब पाण तमामु वॾो इंट्रेस्ट वठी रहियो आहे कराचीअ मां, बल्कि एतिरो बिज़ी आहे उन हूंदे बि चए पियो त जश्न आज़ादी 14 अगस्त ते तमामु तमामु वधि में वधि दोस्त असांजा शिरकत कनि, हैदराबाद ज़िले जा, बल्कि भर पासे जा बि अचणु चाहिनि असांजा दोस्त। असांजो तमामु असां सुठो बाईपास जो प्रोग्राम रखियो, म्यूज़िकल प्रोग्राम, उनमें शिरकत कनि जीअं असां पंहिंजे मुल्क जी ख़ुशीअ जो ॾींहुं मल्हायूं ऐं मुल्क जी भलाई लाइ दुआ में बि शिरकत करियूं। जी साईं, अमां ॿुधायो त तव्हांजी छा प्लैनिंग आहे? टंडे जाम बाईपास ते जेको ही रावल शर्जील इनाम मेमण ऐं शर्जील साहब जी तरफ़ां जेको ही प्रोग्राम जश्न आज़ादी जो, में असां हैदराबाद जी आवाम खे दावत बि, असां टंडे जाम जे तरफ़ां दावत बि ॾियूं था, जेका ही प्रोग्राम असांखे तमामु कामयाबु थींदो ऐं हिन इवेंट में बहितरीन आर्टिस्ट ऐं बहितरीन जेके थे सियासी समाजी माण्हू हिन तक जी आवाम, हैदराबाद जी पूरी आवाम ते ईंदी। असां टंडे जाम तरफ़ां उन्हनि खे दावत ॾियूं था ऐं वेलकम कंदासीं। रावल हाउस ते 2 बजे गॾु थियनि ऐं 3 बजे फिक्स टंडे जाम बाईपास ते प्रोग्राम रावल शर्जील इनाम मेमण जी क़यादत में रैली जी सूरत में शामिल थींदो, जेको तमामु दोस्त में तमामु सुठा सियासी समाजी अॻवान गॾु थींदा ऐं उहे ॾिसण तव्हां विसारींदा। महिरबानी करे सभई हिन में गॾिजी अचिजो ऐं हीउ प्रोग्राम जेको हैदराबाद जी तारीख में वॾो प्रोग्राम आहे। जय पाकिस्तान। सो गाइस, आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।